औकात में रह के बात करो, ठीक है? औकात का बात क्यों निकालते हो? तो औकात मत निकालो ना। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू हॉट एफएफ चैनल। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस अभी हम लोग 2,30,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब। तो गाइस आज की वीडियो में मेरे पास फ्री फायर कम्युनिटी से रिलेटेड काफी खतरनाक स्टोरी एंड अपडेट है, इसलिए गाइस आज की वीडियो को आप लोग पूरे एंड तक वॉच करना। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस आज की हमारी जो सबसे पहली अपडेट है वो है ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो गाइस ज्ञान भाई जब अपने चैनल पर लाइव कर रहे थे, तब वहाँ पर ज्ञान भाई ने बात किया जो लोग पैनल यूज करके रीजन टॉप 1 पर जाते हैं, और उनके बायो में लिखा होता अगर आपको रैंक पुश करने के लिए हैक आईडी चाहिए तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर उनका व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहता। तो चलिए गाइस अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उन लोगों को ज्ञान भाई ने क्या कुछ कहा। मेरा ब्लैक लिस्ट अभी तक नहीं हटा भाई, यार देखो बताओ कि टॉप 1 पे जाऊंगा अभी तक यार ब्लैक लिस्ट ही नहीं हटा मेरा अभी तक। ये सारे हैकर लेके क्यों पुश कर रहे हैं भाई? ये ग्रेड वाले सबका ब्रेन करो ना यार। ये देखो सब हैकर लेके इस गया रैंक पुश कर रहे हैं। देखो पैनल यूजर्स पैनल सेल लगा के रखे नाम, इसको तो ग्रेड को भेजने पड़ेगा। देखो कैसे ये सब बंदे लोग भाई कहाँ से आते कैसे यार, देखो कैसे। अरे बताओ कैसे गैस को फोन करके गैस बताओ गैस फोन करके पूछे भाई पैलन मिले भाई 42 लेवल का आईडी लॉल भाई यार क्यों करते हो भाई ऐसे, मैंने ऐसे भाई बच्चों वाली हरकत क्यों करते हो भाई यार हैं? बताओ कैसे सर 42 लेवल का बंदा भाई यार लेके टॉप 1 में कैसे पहुंच चुका है क्या सर? बताओ यार क्या मैंने टॉप 3 में कैसे हैक लगा कि चीटिंग करके, बताओ कैसे क्या भाई ये लोग क्या गुंडा बनेगा। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना क्या गरेना वालों को इन हैकरों की आईडी को बैन कर देना चाहिए और इनके गिल्ड को भी डिसबैंड कर देना चाहिए। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, और वो है रॉकी भाई के बारे में। तो गाइस यहां पर रॉकी भाई ने बताया कि वो बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। मामू शादी कर लो। जी हां गाइस, एक बहुत ही अच्छी खबर मैं आज सबके सामने देने आया हूं। बिफोर आई बिगिन द लाइव, आप सबके आशीर्वाद से एंड विद योर ब्लेसिंग्स मेरी शादी मान के चलो लगभग तय हो गई है। जी तो भाई मेरे को इनवाइट दो यार। अरे बिल्कुल बिल्कुल जॉटी भाई, अभी डेट फिक्स नहीं है, ठीक है? मैंने बोला है अक्टूबर नवंबर के अराउंड डेट ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि ठंडियों में ही शादी होती है, उस टाइम पे फ्री भी रहते हैं अपन, ठीक है? तो देखते हैं, लड़की से कल बात हो गई, लड़की के माता पिता से मेरे माता पिता ने भी बात कर ली, अरेंज मैरिज है, कोई टेंशन नहीं है। दोनों तरफ से दोनों को लड़का लड़की सब पसंद है। डन हो गया भाई, डन हो गया। चलो ठीक है, नवंबर में मामी मिल जाएगी। गाइस चलो फिर शादी का कार्ड आने वाला है सबको भाई। शादी का कार्ड तो जॉन्टी भाई डेफिनेटली आएगा आप सबको। तो चलिए गाइस अभी बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, और वो है गाइस तोंडे भाई के बारे में। तो गाइस तोंडे भाई जब अपने चैनल पर लाइव कर रहे थे, और वहाँ पर उनके साथ काफी सारे यूट्यूबर भी खेल रहे थे, लाइक अनग्रेजुएट गेमर एक्स मानिया और नीरज भी खेल रहे थे। तभी वहाँ पर नीरज और मानिया भाई का मजाक में लड़ाई हो जाता है। उसके बाद मानिया भाई नीरज भाई को बोलते हैं, औकात में रहकर बात कर नहीं तो मैं तेरी औकात दिखा दूंगा। एक्स मानिया का ये बात तोंडे भाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर उसके आगे क्या हुआ आप लोग खुद ही देख लो। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी दिए सब कम दिए, और लास्ट में कुकी ने काट दिए। पर्सनल लाइफ के बारे में मत बोला था भाई। तू भाग रहा है अब मार के। मानिया भाई आपका ट्रू लव थी क्या? नहीं जो भी हो यार मत बोला कर, मत बोल। मैं बोल रहा हूँ ट्रिगर बहुत ज्यादा कर रहा है नीरज, मेरे मुंह से गाली खाएगा बहुत अच्छी वाली, और मैं जब गाली देता हूँ ना रुकता नहीं हूँ। कौन लाइव है कौन नहीं लाइव है मैं देखूंगा अभी नहीं, याद रखियो। क्या फर्क पड़ता है, औकात में रह के बात कर, ठीक है? औकात याद दिला दूंगा तुम रह लो। इतना तो मत बोलो यार मैंने भाई। अरे तो टोने से मना कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो वो पता नहीं ना उसको। टोंडे भाई मैं एक बात बताऊं, मैं इतना ट्रिगर होता हूँ क्या? वो आप देखो ना वो क्या औकात औकात का बात क्यों निकालते हो? तो औकात औकात का बात मत निकालो ना। सॉरी भाई हो गया, नहीं पता था मेरे को।
चलिए गाइस अभी बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, और वो है गाइस नॉन स्टॉप गेमिंग के बारे में। तो नॉन स्टॉप भाई अपने चैनल पर लाइव कर रहे थे और वहाँ पर 2v6 मैच चल रहा था आरवन भाई और स्मूथ भाई का। तब वहाँ पर एक बंदा चैट में आकर आरवन भाई का गेम प्ले देखकर नॉन स्टॉप भाई को बोलता है, आप तो हैकर को प्रमोट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद नॉन स्टॉप भाई का क्या रिप्लाई आता है आप लोग खुद ही देख लो। भाई तुम हैक प्रमोट कर रहे हो, ये क्या है आदित्य भाई, लग रहा है गेम तुमने आजकल ही हमारे चैनल पे तुम फर्स्ट टाइम आए हो। अभी थोड़ा ब्राजील घूमोगे तो समझ आएगा कि हम लोग कितना पीछे हैं और क्यों हमारे सर्वर से कोई बंदा निकल नहीं पाता आगे, वो चीज तुम्हें समझ आएगी। क्योंकि भाई एक प्लेयर का तो तुम्हें पता ही है स्मूथ का, हरवन का तो चलो कुछ भी माइंड में तुम ले लो कि नया प्लेयर है, चीजें हो सकती हैं, ये हो सकता है। स्मूथ भी पहले हमें ऐसी लगता था, जैसे आरवन खेल रहे हैं ना, स्मूथ भी पहले हम लोग ऐसी लगता था कि भाई ये बंदा हैकर है। इवन यार मैं खुद कभी कभी डाउट करने लगता था कि भाई ये बंदा हैकर तो नहीं है, जब हम लोग 2v4 ये सब करते थे। बट अब थोड़ा सा तुम्हें भी बड़ा बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम फॉरेन के प्लेयर्स देखोगे बाहर जो खेलते हैं ब्राजील के, जिस लेवल पे खेलते हैं वहां के पीसी प्लेयर, उनको तो मेरे को पता नहीं फिर तुम क्या बोलोगे। अगर तुम हमारे प्लेयर्स को हैकर बोल रहे हो तो उनको क्या बोलोगे वो नहीं पता। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।